बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी CO एंड DO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C एंड एंगल D रिस्पेक्टिवली. प्रूव दैट एंगल COD इज इक्वल टू हाफ इनटू एंगल A प्लस एंगल B. तो आपको ये प्रूव करना है और ये आपका है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये भी गिवन है कि CO एंड DO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C एंड एंगल D. दैट मींस आपको यहां पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा CO एंड DO. तो ये आपके हो जाते हैं एंगल बाइसेक्टर. ओके, ये आपका O पॉइंट होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं CO एंड DO. दैट मींस ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा. तो आपको प्रूव करना है एंगल COD, ये वाला एंगल आपका, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B. तो बच्चों इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछा गया है. यहाँ पर आपको प्रूव करना है एंगल COD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B. तो यानी कि एंगल COD, इसका सिंपल सा मतलब है इस ट्रायंगल में आपको कोई ना कोई रूल अप्लाई करना है. और यहाँ पर देखिए एंगल A और एंगल B भी आपको गिवन है. इसका सिंपल सा मतलब है एंगल A एंड एंगल B जो है वो क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है. तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल वाला कोई ना कोई रूल अप्लाई होगा और उसके बाद कुछ इक्वेशंस फॉर्म हो सकती हैं और उसके बाद आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं DUC और इसमें अप्लाई करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. तो यहां पर आपको लिखना है इन ट्रायंगल DOC. देखिए आपको क्या करना है, ये एंगल और ये एंगल तीनों का सम करके लिखना है 180 डिग्री. तो हम यहां पर लिखेंगे, लेट से ये आपका एंगल 2 है और ये आपका एंगल 1 है. तो आप यहां पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल COD प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो आप यहां से एंगल COD का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो आप लिखेंगे एंगल COD इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2. अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा आप इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, COD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, आप यहां पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2. अगर मैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूं तो आपको यही वैल्यूज मिल जाएंगी. ओके, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. देखिए ये दोनों एक ही चीज है. ओके, थोड़ा सा हमने यहां पर चेंज किया है. बच्चों आप मेरी बात को ध्यान से समझना. देखिए ये एंगल एंगल 1 किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा. तो ये टोटल एंगल आपका है सी. तो इस वाले एंगल को मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल सी और एंगल 1 को भी मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल सी. ओके, इन द सेम मैनर एंगल 2 को आप लिख सकते हैं एंगल डी का हाफ और इस एंगल को भी आप लिख सकते हैं एंगल डी का हाफ. ओके, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं. जब आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करोगे तो आपको एंगल सी मिल जाएगा और आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा एंगल डी. तो यहां पर एंगल 1 का जो वैल्यू आप रखोगे वो रखोगे हाफ ऑफ एंगल सी और एंगल 2 का वैल्यू आप लिखोगे हाफ ऑफ एंगल डी. तो यहां पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम कर लेते हैं, 180 माइनस आप यहां पर लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी. ओके, इसके बाद आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे. अब इस हाफ को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आपका बाहर आ जाएगा. ओके, दैट मींस एंगल सी प्लस एंगल डी. अब इस इक्वेशन को आप नाम दे दोगे इक्वेशन 1. ओके, तो जो हमें ट्रायंगल में करना था वो हमने यहां पर कर लिया एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करके. अब आपको यूज करना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. तो आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सभी एंगल्स का जो सम होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा. तो आप यहां पर लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, अब देखिए बच्चों इक्वेशन 1 में आपका आता है एंगल सी प्लस एंगल डी लेकिन आपको इसका वैल्यू नहीं पता. तो आप यहां से इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं,
एंगल ए प्लस एंगल बी। ओके, तो ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर टू। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपने एंगल सी प्लस एंगल डी का वैल्यू आपने यहां निकाल लिया, तो इस वैल्यू को इक्वेशन वन में आपको पुट करना है। ओके, तो आप यहां पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग सेकेंड एन वन। ओके, तो आप यहां पर लिखेंगे सी ओ डी इज इक्वल टू 180 माइनस हाफ ऑफ, देखिए एंगल सी प्लस एंगल डी का वैल्यू कितना है, तो आपको ये वैल्यू यहां पर रखना है एंगल सी प्लस एंगल डी की जगह, तो ये हो जाएगा आपका 360 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। ओके, अब आपको इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये आपका सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, देखिए 360 से आपको 2 से डिवाइड करना है। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 180 डिग्री। ओके, अंदर आप देखिए माइनस से माइनस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये वैल्यू प्लस में आ जाएगा। आप इसको यहां पर लिख सकते हैं हाफ ऑफ दिस वैल्यू। ओके, एंगल ए प्लस एंगल बी, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए 180 से 180 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का वैल्यू है और ये आपका माइनस का, तो आपके पास क्या बचेगा, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, ये आपका एंगल सीओडी था। ओके, अब देखिए आपको यही आपको प्रूव करना था। ओके, आप थोड़ा ध्यान से देखें, आपको इसी बात को प्रूव करना था। तो बच्चों आपने देखा कितना आसान था, तो आपने सिंपली क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया ट्रायंगल के अंदर और क्वाड्रिलेटरल के अंदर, आपने दो इक्वेशन बना ली। तो आपने देखा कि किस तरीके से आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आप इसको प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।